दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब फैमिली आईडी से ही सब कुछ आपका अप्लाई होता है और जो विधवा की पेंशन है दोस्तों उसका फुल ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो यहां पर होम पेज पर हम पहले जो है परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ से दोस्तों आपने एक बार लॉगिन करना है। हम यहाँ पर चलिए अपने लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद आपको पूरा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हम अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। फर्स्ट सुनिए, ध्यान से सुनना है जो भी हम आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो पर टच करके आए हैं ना, तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन का हमने प्रोसेस ऑलरेडी डाल दिया था, आज का जो प्रोसेस है वह विडो पेंशन के लिए है। दोस्तों आपने विडो पेंशन के लिए आपका जो अगर खुदा न करे आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो आप उसका सबसे पहले फैमिली आईडी से नाम को कटवाना है। किस प्रकार आप मार्क एज डेथ, आप रिक्वेस्ट किस प्रकार डालेंगे, ऑलरेडी आई बटन पर वीडियो है, प्रोसेस हमने फुल बताया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। पहले आप नाम कटवाएंगे, उसके बाद आपका अब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है दोस्तों, लेकिन पहले आपको विडो यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस चेकआउट कर लेना है कि विडो है या नहीं। वैसे जिस टाइम पे आप मार्क एज डेथ करके रिक्वेस्ट डालेंगे और उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही दोस्तों आपका मैरिड से विडो हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम काफ़ी चीज़ें हैं जो अब कर दी हैं। और अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस कि आपने अप्लाई किस प्रकार करना है विडो पेंशन के लिए। दोस्तों दो प्रकार की पेंशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऑटोमेटिकली की है, बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग और बुढ़ापा पेंशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते अपितु उसका फैमिली आईडी का डेटा ऑटोमेटिकली फैच आउट होगा, उस डेटा को आपने ओके करना है। कहने का मतलब फैमिली आईडी में जो डिटेल होती है वो सब आपने कंप्लीट करनी होती है, जिसके माध्यम से आपकी पेंशन जो है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के अधिकारी को अलर्ट मिल जाता है कि ये पेंशन योग्य हैं। वो आपको बुलाते हैं आपके तहसील में, उसके बाद आपको प्रोसेस जो हमने प्रोसेस दोस्तों इसका भी कंप्लीट डाल दिया है, बुढ़ापा पेंशन का और दिव्यांग पेंशन आप किस प्रकार लगाएंगे वो देखना चाहते हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो को चलिए शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों देखिए लाइक करना आपका फर्ज बनता है, जब आप इस वीडियो से संतुष्टि पाएंगे उस दौरान आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम पहले आपको नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे जब आप अपनी आईडी से लॉगिन हो जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम पर क्लिक करते हैं, अप्लाई अपलोड सिंक्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है, आपने अप्लाई वाले पर अभी क्लिक करना है क्योंकि अभी आपने यहीं से शुरुआत करनी है। दोस्तों यहां पे अब आपका आ जाता है पीपीआईडी संख्या आपने डालनी है और ये जो सर्च ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, यही जो आपको हम बता रहे हैं ऐसे ही फॉलो आपने करना है। तो दोस्तों फैमिली आईडी संख्या डाल ली है, सर्च कर लिया है, अब दोस्तों आपके सामने आ जाता है उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को चयन कीजिए जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। विधवा और निराश्रिता पेंशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहां पे सबमिट करेंगे, जितने भी आपकी फैमिली आईडी में मेंबर विडो होंगे या जिनकी ये पेंशन निराश्रिता और जो विधवा पेंशन है लगने योग्य होगी, वो मेंबर यहां पे शो अप हो जाता है। आपने बिंदु पर ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट जो आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप बिंदु पर क्लिक करके नेक्स्ट आएंगे,
यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स जो है फैमिली आईडी से फैच आउट होती है, आपका आधार नंबर, DOB, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल्स, रेजिडेंट, सेंसियर्स, टोटल एनुअल इनकम, BPLs और कास्ट कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, ये सब आपने चेक करना है। उसके बाद एड्रेस की फुल डिटेल्स आ जाती है। देखिए यहाँ पे है एड्रेस, आपको नज़र आ रहा है रॉन्ग, गलत पड़ा हुआ है, तो आपने इसी प्रकार सुधार करना होगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। अभी हमें ये वापस जाना होगा दोस्तों, वापस जाके हम होम पेज पर क्लिक करके सबसे पहले इसको यहाँ से देखिए, एड्रेस यहीं से इनका सही हो जाएगा। यहाँ पे भी NA लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे भी 01 और यहाँ पे देखिए विलेज वगैरह नेम डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा विलेज एंड पोस्ट ऑफिस सेम है, तो आप VPO एंड तहसील एंड डिस्ट्रिक्स भी लिख सकते हैं और फुल एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो रॉन्ग था डिटेल्स, आपने सभी डिटेल को चेकआउट कर लेना है अच्छे से और उसको पहले अपडेट करना है। हम यहाँ पे टोटल एड्रेस ही डाल चुके हैं। उसके बाद प्रिंट PPP फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पे आपने सिग्नेचर करवा के अपलोड वगैरह कर देना है। ये सिंपल था क्योंकि दोस्तों एड्रेस ही इनका गलत था। अगर आपको अदर डिटेल में भी डाउट्स नज़र आता है तो वो भी आपने सही करनी होगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस वगैरह अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अभी हम फिर से वापस जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम होम पेज पर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम पेंशन एंड अप्लाई और यहाँ पे फिर से फैमिली आईडी वगैरह डाल के हमने सर्च कर लिया है। अब हम फिर से विधवा और निराश्रिता को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे और ऊपर बिंदु है ये वाला, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। पिछली बार हमने नहीं दिखाया, सॉरी, देख लीजिए ध्यान से और अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर फिर से एक बार आप डिटेल्स जो है चेकआउट करेंगे, नेम वगैरह उसका और हस्बैंड नेम वगैरह और मदर नेम, फादर नेम और यहाँ पे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एज कैलकुलेशंस, एज एंड जेंडर एंड मोबाइल नंबर्स, ईमेल, रेजिडेंट, सेंस ईयर्स, टोटल एनुअल इनकम, BPL संख्या, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ब्लॉक और वार्ड नंबर यहाँ पे फिर से शो नहीं हो रहा है। तो ये अगर शो नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, एक बार आपने रिफ्रेश करके देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक और वार्ड विलेज शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना क्योंकि ये डाटा कई बार उठाता नहीं है। अभी हमने इसको ओके कर दिया था, पीछे आपने देखा भी, हमने लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले दोस्तों, हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे फिर से आ गए। अब फिर से हम स्कीम पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, अब ये डिटेल्स वही उठा लेगा। ये आपको अप्लाई करते हुए दिक्कतें आएंगी, इसीलिए दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जब तक जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको भी दिखाएंगे। देखिए मैरिटल स्टेटस यहाँ पर है, विडो देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे जो वार्ड विलेज वगैरह उठा लिया है। अब अकाउंट की डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं ऐड है तो फैमिली आईडी में ऐड करना है। IFSC कोड, बैंक का नेम देखिए यहाँ से सिलेक्ट करना है, वोटर कार्ड संख्या यहाँ पे लिखी गई है और ये ऑप्शन आपने येस नो करने हैं। देखिए यहाँ पे बैंक नेम आ गया है, तो पहला सेकंड ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वर्किंग रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम सर्विस बोर्ड कॉरपोरेशन, ये वाला ऑप्शन है, इसको आप नो करोगे क्योंकि अगर आप यस करोगे तो आप पेंशन के हकदार नहीं है, आप इसको नो कर दीजिएगा। और ये भी आप नो कर दीजिएगा क्योंकि ये भी गवर्नमेंट वगैरह के लिए है, सेमी गवर्नमेंट वगैरह जो भी वर्कर होते हैं। अब यहाँ पे विडो आपने यस करना है दोस्तों, क्योंकि विडो पेंशन आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये है डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस तारीख को आपके हस्बैंड की डेथ हुई है या फिर आपके घर में जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेथ हुई है, उसको आप डेट डालेंगे और ये आप नो करोगे क्योंकि ये है निराश्रिता पेंशन। इसको आप यस करके देखेंगे तो डिस्टिट्यूट एंड
जो विडो पेंशन है वो यस नहीं कर सकते हैं, दोनों का लाभ नहीं मिलेगा, एक का मिलेगा, इसीलिए हम इसको नो कर देते हैं और विडो को हमने यस कर दिया है। अब यहाँ पे अपलोड फोटो ऑफ डेथ हस्बैंड, यानी कि फोटो नहीं, यहाँ पे ऊपर आपने, मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं, अपलोड फाइल फोटो, यहाँ पे आपने फ़ोटो है और ये जो डॉक्यूमेंट पहले ही यहाँ पे अटैच है, ये फैमिली आईडी में अटैच किया हुआ है जो मेंबर की डिटेल्स में आता है दोस्तों, नीचे वाला ऑप्शन, तो ये हम देख लेते हैं क्या है। ये इन्होंने आधार कार्ड लगाया हुआ है, वेल्डन है, वैसे वोट कार्ड वगैरह लगा सकते थे पर ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब हमने ये देख लिया, ऊपर वाला जो है वो दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड का जो आपका डेथ का प्रूफ है वो आपने अपलोड करना होता है दोस्तों यहाँ पे, और ये है फ़ोटो का, यहाँ पे आपने फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, वो भी हम आपको अपलोड करके दिखाएंगे। तो नीचे इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अपील है और ग्रेवेंस, यानी कि अपील फॉर ग्रेवेंस नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं, इनको सभी को आपने एग्री करना है, टिक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक बार जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देंगे ऊपर, नेम सर्च बाई, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जो भी हमने नेम डाला हुआ है। आप भी अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो इसी प्रकार आपने सेम करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बाई नेम अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम ऊपर नेम डाल के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको नेम से डाला था। देखिए हमने साइज यहाँ पे 200 KB से कम नहीं था, तो हम दोबारा से आपको अपलोड करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो 200 KB से डाउन होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट, ये रहा, ये इनकी सुभाष नेम है, तो इनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, और अब हम इसको ओपन करके भी, प्रीव्यू जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ से हम ओपन करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि अच्छे से इनका सर्टिफिकेट हुआ या नहीं, ये है प्रीव्यू दोस्तों। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है और आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे जो भी अदर डिटेल है, एक बार हम सारे जो सर्टिफिकेट फ़ोटो वगैरह अच्छे से साइज को चेक करके, क्योंकि हमने दो दो फ़ोटो यहाँ पे रखी हुई थी दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना, एक ही आप अपलोड कर सकते हैं, और ये टर्म्स को भी एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से एक बार और डिटेल को चेकआउट कर लेंगे, हमारा सब कुछ सही है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल आप अच्छे से भर के, उसके बाद दोस्तों हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ, वोटर कार्ड प्रूफ, ये दो प्रूफ मांगता है, यहाँ पे हो सके तो आप हरियाणा रेजिडेंट ही अपलोड कीजिएगा और यहाँ पे वोटर कार्ड ही अपलोड कीजिएगा। अगर आपके पास इनकेस नहीं है हरियाणा रेजिडेंट, तो दोस्तों आप वोटर कार्ड अकेला भी अपलोड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे देखिए हरियाणा रेजिडेंट और अकाउंट की कॉपी हमने एक साथ अटैच कर दी है, हरियाणा रेजिडेंट के साथ अकाउंट कॉपी, आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। फॉर्मेट हम आपको लास्ट में दिखा देंगे किस प्रकार, आपने पीडीएफ का साइज देख लीजिए 100 KB, और हरियाणा रेजिडेंट वाला दोस्तों 200 KB था और वोटर कार्ड वाला 100 KB से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल फाइल जो है, फिर से आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, 100 KB मांग रहा है, तो अब यहाँ पे हम 100 KB की फाइल्स तैयार रख ली है, वैसे आपको दिखाया था, हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, पहले नंबर में अकाउंट और हरियाणा रेजिडेंट और दूसरे में वोट कार्ड अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट हमने किया और हमारी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो चुकी है, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, इसको यहाँ से ओके करेंगे और दोस्तों अब आपका ये अप्लाई हो चुकी है, सिर्फ अभी अप्लाई हुई है, इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों, प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है और यहाँ पे आपने भरना भी है दोस्तों, किस प्रकार भरना है, पार्ट 2 आएगा और जल्द ही आएगा, कल या फिर परसों हम डाल देंगे, अभी ये अप्लाई हो चुकी है नो प्रॉब्लम, और इनको हाँ नहीं हमने ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर भी होंगे और आपका सरपंच या फिर आपके जो ग्राम में होते हैं, जैसे कि जो आपका
ग्राम स्तर पे दोस्तों सरपंच से आप करवा सकते हैं, बट आप एमसी से करवाएंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप सब यहाँ पे देखिए, ये सत्यापन के लिए है और ये कार्यालय के प्रयोग के लिए है। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़खानी करनी है, यानी कि यहाँ से देखिए प्रिंट का ऑप्शन है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अप्लाई तो कर देंगे, इसको आप पीडीएफ में सेव कर लेंगे। हम कर लेते हैं अप्लाई, तो दोस्तों आपका हो गया। इस प्रकार दोस्तों आप अप्लाई करेंगे, आपकी विडो पेंशन हमने आपको अप्लाई दिखा दिया। अब सिर्फ आपने यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, या तो आप लंबड़दार होता है विलेज स्तर पर उसके करवा सकते हैं, या फिर आप सरपंच से करवा सकते हैं वेरीफाइड इसको, और आप खुद के भी साइन होंगे। यहाँ पे देखिए आवेदक का अंगूठा या हस्ताक्षर लिखा हुआ है, और दो बार आपके सिग्नेचर होंगे जो महिला है उसके, और एक बार आपका वेरीफाइडर के होंगे। वेरीफाइडर आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी है वो आप करवा लेंगे। एमसी अगर आप शहर से हैं तो एमसी से करवाएंगे, और करवाने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस हम कल डालेंगे, शाम तक वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है अगर आप आगे का प्रोसेस देखना चाहते हैं, और आगे का प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपकी फाइल भी तैयार होगी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही टोटल कंप्लीट कर देंगे, तो इसके पार्ट 2 आएंगे। और दोस्तों अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी एंड में ही इसका एंड पॉइंट पे लगा दूंगा वो वीडियो। अगर आप बाद में देख रहे हैं 1-2 दिन के, तो वो वीडियो आप टच करके देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पार्ट 2 अगर आप बाद में देखोगे। तो दोस्तों यही था एक कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, भाई बहनों में, सभी जगह पर, और अपने प्यारे से हाथों से लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट, नई धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।